नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुनियादारी एक्स पर। चलिए आज हम आपको लखनऊ के कुकरेल की घड़ियाल पुनर्वास केंद्र में लेकर चलते हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे कि घड़ियाल किस तरह पैदा होते हैं। जब हैंचिंग चैम्बर से चूचू की आवाज़ आई तो कीपर दौड़ा दौड़ा वहां आया और उसने वन विभाग के अधिकारियों को खबर की। चूचू की आवाज़ सुनकर सब समझ गए कि अब घड़ियाल अंडों से बाहर आने के लिए तैयार हैं। जब कीपर ने अंडों से बालू को हटाया तो अंडों के थोड़े से हिस्से से घड़ियाल का बच्चा अपना सर को बाहर निकाले था और थोड़ी ही देर में अंडों से घड़ियाल के नन्हे बच्चे बाहर निकलने लगे। ये नज़ारा है लखनऊ के कुकरेल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र की। भारत में कई जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिनमें से घड़ियाल भी एक है। 1930 से घड़ियाल की संख्याओं में काफ़ी गिरावट आई है, तब से इस केंद्र ने घड़ियालों की प्रजाति को बचाने का फैसला किया। घड़ियालों को पकड़कर यहाँ लाया जाता है, फिर घड़ियाल यहाँ पर अंडे देते हैं। अंडों से घड़ियाल के बच्चों को बाहर निकलने के 2 साल तक उसे यहाँ पाला जाता है। जब वो अपनी सुरक्षा खुद करने लायक हो जाते हैं तब उन्हें चंबल की नदी में छोड़ दिया जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया से घड़ियालों की संख्या में वृद्धि आई है और उनकी प्रजातियां अब सुरक्षित नज़र आ रही हैं। यहां पर सिर्फ घड़ियाल ही नहीं बल्कि कछुओं की भी संरक्षण की जा रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।